तो देखो सुरेन, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, और यू कैन से पोल्ट्री फार्म्स। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स। देखो सबसे पहले स्टूडेंट साहब समझो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स कौन सा ब्रांच है, एग्रीकल्चर का एनिमल हस्बेंड्री वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बेसिकली लाइफ स्टॉक फार्मिंग की। ओके, हाँ जी, तो देखो एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्म्स में स्टूडेंट्स क्या है, एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्म के अंदर हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करते हैं। क्या प्रमोट करने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, लाइफ स्टॉक फार्मिंग। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप इसमें इट इज मोस्टली कंसर्न विद ब्रीडिंग रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, ब्रीडिंग रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें हमारा मेजर जो कंसर्न होता है वो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको पालने से होता है, उनको पाल करके उनसे आने वाले प्रोडक्टिव जो हमारे पास आउटपुट होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं अपनी इनकम जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स आज से नहीं, अगर मैं हिंदू माइथोलॉजी की बात करूं तो बहुत एंशियंट टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं, इनफैक्ट अगर मैं बिल्कुल ही माइथोलॉजी में जाऊं, सतयुग की बातें भी करूं तो वहां पे भी हम देखते आ रहे हैं कि उस टाइम पे भी लोग क्या करते थे, जानवरों को पाला करते थे और उनसे मिलने वाले यूजफुल चीजों से क्या करते थे, मार्केट के अंदर उसको बेच करके पैसा कमाते थे, राइट। तो यहां से हमें एक एग्जाम्पल देखने और समझने को मिल सकता है कि और मिल सकता है कि एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा अगर जो फार्मर है या गांव वगैरह है वहां पे इस तरह के बिजनेस को प्रमोट किया जाए तो उनको पूरे साल का काम मिल सकता है स्टूडेंट्स, राइट। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं, सबसे पहली बात तो समझो कि हर तरीके की एनिमल को हम पाल नहीं सकते क्योंकि हर तरीके के एनिमल से हमें यूजफुल आउटकम नहीं मिलता। ठीक है, तो मेजरली इसमें हम क्या क्या देखते हैं, मेजरली इसमें हम देखते हैं कैटल्स को, गोट्स, काउस, ठीक है, बफेलोस, फाउल्स, डक, गूस एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेजरली हम क्या करते हैं, चिकन इंक्लूडिंग एज वेल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस तरीके के एनिमल्स को पालते हैं, शीप। ठीक है, इसमें हम इस तरीके के एनिमल्स को पालते हैं जिन एनिमल्स को पालने के बाद हम उनसे क्या कर सकते हैं, हम उनसे कुछ एक फ्रूटफुल आउटपुट गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, जिस आउटपुट को मार्केट में बेचा जा सकता है और अपना जो भी लाइफ है उसको सस्टेन किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, चिकन की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो लोग भी मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है क्योंकि आप जानते हो कि नॉन वेजिटेरियन खाना ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग सिर्फ वेजिटेरियंस ही हैं या नॉन वेजिटेरियंस ही हैं, लेकिन आपको पता है कि आज की डेट में नॉन वेज भी उतना ही ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के खाते हैं जितना के वेजिटेरियन फूड। तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि वो फार्मर, ठीक है, वो रूरल पीपल जो चिकन पालने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे उनको पूरे साल का काम मिलेगा क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं कि सीजन के हिसाब से कोई चिकन खा रहा है कि ठंड है तो नहीं खाऊंगा, गर्मी है तो ज्यादा खाऊंगा या ठंड में ज्यादा खाऊंगा गर्मी में नहीं खाऊंगा। जो भी चिकन लवर्स होंगे जिनको पसंद होगा नॉनवेज, उनके लिए वो पूरे साल बराबर ही रहेगा। ठीक है, पूरे साल के 12 के 12 महीने उनको अगर चिकन पसंद है तो वो उनको पसंद है तो पूरे साल उनको काम मिलेगा। सिमिलरली अगर हम शीप वगैरह को पालते तो उनसे वूल वगैरह कनेक्ट करना आसान है। अब आप कहोगे सर वो कहाँ काम आएगा, तो स्टूडेंट बहुत से ऐसे पार्ट भी है इंडिया के अंदर जहां पे क्या होता है, जिनके जहां पे बेसिकली पूरे साल ठंड रहती है तो वहां पे उन सब चीजों का काम आएगा। ठीक है, तो ये लेदर, ठीक है, हम कई बार जानवरों को पालते हैं, चमड़ी के लिए भी लेदर के प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा चलते हैं, दो मैं
आपसे इस वीडियो में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेदर के प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट्स अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी ऐसी जानवरों की स्पीशीज है स्टूडेंट जो लगातार खत्म होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि शायद हम अपनी एफ्लुएंट कंजम्पशन की वजह से कि भाई लेदर का है ये है करके थोड़ा सा उन सब चीजों को शो ऑफ करने के चक्कर में, डेमोन्स्ट्रेशन के चक्कर में हम इररिलेवेंटली बहुत सारे अपने ऐसे एनिमल की स्पीशीज को खत्म करते चले जा रहे हैं जो शायद अब देखो नेचर में है, तो नेचर ने किसी ना किसी चीज को सोच करके ही हर चीज को बनाया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हम उसको खत्म करते जा रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें एनिमल हस्बेंड्री करना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी एक्सटेंट तक जिससे कि हम किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को इस लेवल पे हार्म ना करें। ठीक है, कि अपने सेल्फ मोटिव के चक्कर में हम उन्हीं को हार्म करते जा रहे हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को पाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट मैं आज डेटा की बात करूं तो इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक जो है वो क्या करता है, इंडिया अपने पास होल्ड करता है। ठीक है, लाइफ स्टॉक के मामले में इंडिया वर्ल्ड में क्या है स्टूडेंट्स, नंबर वन पे आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो आप अपनी फैमिली की इनकम को विदाउट डिस्ट्रप्शन भी क्या कर सकते हो, इनकम के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हो। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स मैं आज आपसे बात करूं तो ऑलमोस्ट 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है उनका जो लाइफ सस्टेन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग से ही हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देख लो डेटा कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 70 मिलियन जो आज के डेट में फैमिलीज है स्टूडेंट वो क्या कर रही है, वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और उसी से अपने घरों को चला रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कि लाइफ स्टॉक का हमारे GDP में कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे टोटल GDP का 4% जो हिस्सा है वो कहाँ से आ रहा है, टोटल GDP का 4% हिस्सा लाइफ स्टॉक फार्मिंग से आ रहा है, जबकि मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर 30.8% आता है। ठीक है, सो ये है। ठीक है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर एनिमल हस्बेंड्री में हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं किसके ऊपर, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, डेयरिंग के ऊपर। ठीक है, डेयरिंग आप जानते हैं, डेयरिंग का मतलब क्या होता है, डेयरिंग का मतलब है आप गोट पालते हैं, आप बफेलो पालते हैं, आप काउ पालते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को पालते हैं जिससे कि क्या हो सके, जिनसे कि आप मिल्क कलेक्ट कर सको। राइट, मिल्क कलेक्ट करने का मोटिव क्या है स्टूडेंट्स, मिल्क कलेक्ट करने का मोटिव होता है कि आप एक एक्सटेंसिव लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे क्या कर सके, मिल्क को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके। तो डेयरिंग की सक्सेस को बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले किसका नाम बताऊंगा, सबसे पहले मैं नाम बताऊंगा आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, किनका, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये वो पर्सन है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, आपको होपफुली याद होगा, इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था, जिस अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिस ऑपरेशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम लोग जानते हैं। किस ऑपरेशन के नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से स्टूडेंट्स हम इसको जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड में स्टूडेंट्स हुआ क्या, ऑपरेशन फ्लड के अंदर डॉक्टर कुरियन ने क्या किया, गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बेसिकली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जो था 1970 में सेटअप किया गया था। ठीक है, क्या सेटअप किया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को सेटअप किया गया, जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने कलेक्टिवली एक प्रोजेक्ट को चलाना चाहा और उस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन फ्लड, या फिर स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, वाइट रेवोल्यूशन। इसका बेसिकली मोटिव क्या था, इसका बेसिकली मोटिव था मिल्क को पूल करने का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका बेसिक मोटिव क्या था, इसका बेसिक मोटिव था मिल्क को पूल करने का, जहाँ पे फार्मर्स को ये बोला गया कि आपने क्या करना है, आपने मिल्क सिर्फ क्या करना है,
मिल्कमैन के तौर पे मिल्क कलेक्ट करके लाना है। आप मिल्क लेकर के आएंगे, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट आप देख सकते हो, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी का अमूल। ठीक है, अमूल इसी का है, गुजरात स्टेट में ये फॉर्म हुआ था, जहाँ पे क्या किया गया था, जहाँ पे फार्मर्स को कहा गया था आपको कुछ नहीं करना, आपको कलेक्टिवली जितना भी आप मिल्क कलेक्ट करते हैं आपको हमें लेके आना है। इस मिल्क को हम क्या करेंगे, हम अर्बन एरियाज तक प्लस वर्ल्ड लेवल पे इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। फार्मर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, फार्मर के पास इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है, तो उनको बोला गया आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने जिस भी आप अपने जो भी आपके पास एरिया है, जो भी आपके पास फार्म है, जहां पे आप क्या करते हैं, जहां पे आप काऊ बफेलो वगैरह को पालते हैं, जहां पे आप उनको पाल रहे हैं, उसको वहीं पे आपने बस मिल्क कलेक्ट करना है। मिल्क कलेक्ट करके आपको हमको देना है। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताई थी ना, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उन्होंने कहा कि भाई आपको टेंशन नहीं है, पूरा पटेटो हम आपसे खरीदेंगे, तो यहाँ पे इनको यही कहा गया कि आपने सिर्फ कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके लाके हमको देना है। हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंसिव लेवल पे पूरे अर्बन एरियाज तक और अलग अलग पार्ट्स में बेचने का काम किसका रहेगा, हमारा काम रहेगा। ठीक है, और इसी के अंदर सूरज जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो देखी जाती है वो क्या देखी जाती है, वो देखी जाती है अमूल की इन गुजरात। ठीक है, होपफुली आपको पता होगा आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अमूल, किसका, मिल्क प्रोडक्शन के मामले में, मतलब तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स। क्यों, क्योंकि ये एक बेस्ट एग्जांपल शो करता है स्टूडेंट्स किस चीज का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो है कैसे काम करती है। ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि स्टूडेंट्स राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड क्या है इसके बारे में बताएं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये स्टार्ट किसने किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने स्टार्ट किया था, जिसको सेटअप कब किया गया था, जिसको सेटअप किया गया था बेसिकली कब इन्होंने स्टार्ट किया, 1970 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, और इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, ये तो हमने बता दिया इसके बारे में, जिसका मेन मोटिव क्या था, जिसका ऑब्जेक्टिव था नेशन वाइड जो है मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना, जहां पे फार्मर्स को इंडिविजुअल ग्राउंड्स पे, इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर्स को बोला गया कि आपने क्या करना है, आपने मिल्क को कलेक्ट करना है, और मिल्क को कलेक्ट करके आपको लाके जस्ट किसको देना है, जस्ट लाके आपको हमको देना है। ठीक है, हमारा काम होगा किस चीज का, हमारा काम होगा इसको एक्सटेंसिव लेवल पे बहुत ज्यादा लेवल तक, दूर दूर तक लेके जाने का। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा किस में स्टूडेंट स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन फ्लड में। ठीक है, और साथ ही साथ में स्टूडेंट यहां पे ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ आप मिल्क, अब आप जानते हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप चिकन वगैरह को पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म की अगर मैं आपसे बात करूं, तो पोल्ट्री फार्म, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं तो 58% शेयर जो है वो पोल्ट्री फार्म से हमारे पास होल्ड होता है, तो यहाँ पे मीट, एग, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया गया था। तो मतलब एनिमल हस्बेंड्री में ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं कि एनिमल्स से मिलने वाले जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करना, उनको गैदर करना, और फिर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके, मार्केटिंग सिस्टम को यूज करके उसको देश के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, जिससे कि कंट्री का ओवरऑल जो स्टेटस है वो क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। तो ये सबसे पहला जो आप कह सकते हैं स्टूडेंट क्या था, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डेवलप करने का जो सबसे पहला जो हमने स्टेप लिया वो क्या लिया, एनिमल हस्बेंड्री या फिर पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, होपफुली ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे फिशरीज की बात करूं, तो फिशरीज बेसिकली है क्या, सबसे पहले आप समझो, जो आपके पास केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु है, ये प्रिंसिपल स्टेट्स है, कौन कौन से, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। अब ये स्टूडेंट आपको याद क्यों रखना है, इससे बताता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि मेजर स्टेट्स कौन से हैं फिशरीज के। अब ये फिशरीज है क्या, देखो स्टूडेंट्स, हर जगह की जो लैंड होती है वो फर्टाइल नहीं होती,
जो मोस्टली कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे जो लैंड होते हैं, क्योंकि खारा पानी होता है ज्यादा वहां पे, तो खारे पानी होने की वजह से होता क्या है, वहां की जो लैंड होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती। तो अब जब लैंड फर्टिलिटी नहीं है, तो वहां के जो रूरल पार्ट है, जो कि किसके पास है, जो कि कोस्टल लाइन्स के पास जो रूरल पार्ट है, वो लोग क्या करेंगे, उनको भी तो कुछ ना कुछ इनकम चाहिए। तो ऐसे में वो लोग जो मेजरली है वो किस पर डिपेंड हो जाते हैं स्टूडेंट, वो लोग फिशरीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट आप ये मानो कि जो फिशिंग कम्युनिटी है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं जो आपके वाटर बॉडी होती है उसको अपनी मदर मानती है। मदर मानने के पीछे स्टूडेंट सिंपल सी बहुत आराम से एक वजह है, वो वजह क्या है, क्योंकि उनका जो सारा घर चल रहा है, उनका जो पूरा काम चल रहा है, वो किससे चल रहा है, वाटर बॉडीज के थ्रू चल रहा है। तो इसलिए उनको उसको वो क्या मानती है, वो मदर मानती है। ठीक है, तो इसलिए हमें आज समझना है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि फिशरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्या मानती है, ये वाटर बॉडीज को अपना मदर मानती है। अब यहां पे सूर्य देखो, वाटर बॉडीज से जब हम बात करते हैं तो ये वाटर बॉडीज हमारे पास हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं सूर्य हमारे पास इनलैंड सोर्सेस, ठीक है, क्या होते हैं इनलैंड सोर्सेस। इनलैंड सोर्सेस का मतलब क्या होता है, जब रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स इनकी बात की जाती है तो इसे क्या माना जाता है, इसे माना जाता है स्टूडेंट्स इनलैंड सोर्सेस। और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं मरीन सोर्सेस। ठीक है, जो फिशिंग का बिजनेस है स्टूडेंट्स, और फिशरीज में स्टूडेंट प्लीज ये समझना कि यहाँ पे सिर्फ फिशिंग से मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि सी फूड भी बहुत से लोग अलग अलग लेवल पे प्रेफर करते हैं। और इनफैक्ट एक बहुत अमेजिंग आपको मैं बात बताऊं स्टूडेंट्स, तो जो सी फूड होता है वो न्यूट्रिशंस प्रोटीन्स के मामले में हमारे जो लैंड के फूड होते हैं उनसे बहुत ज्यादा रिच होता है। ठीक है, एंड दिस इज द मेन रीजन, एंड दैट इज द मेन रीजन अगर आप देखो तो जापानीज लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा सी फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके रिंकल्स नहीं आते। ठीक है, उनको बहुत रेयर ही चांसेस में हेल्थ इश्यूज होते हैं और बहुत लॉन्ग लाइफ वो जी पाते हैं। क्यों जी पाते हैं, क्योंकि जो सी फूड होता है उसके कंजम्पशन की वजह से। ठीक है, तो इनलैंड सोर्सेज है और क्या है, मरीन सोर्सेज है। इनलैंड सोर्सेज में मैं किसकी बात करता हूँ, रिवर्स की बात करता हूँ, स्ट्रीम्स की बात करता हूँ, लेक की बात करता हूँ, पॉन्ड की बात करता हूँ। मरीन सोर्सेज में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मरीन सोर्सेज में मेरा कहने का मतलब क्या है, ओशन एंड सी। इन दोनों को कलेक्टिवली वो लोग क्या मानते हैं, इन जो भी फिशिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है वो क्या मानते हैं, इसको अपना मदर मानते हैं, क्योंकि इन्हीं से उनका जो सबसे मेन बिजनेस है वो चलता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे वॉल्यूम की बात करूं कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम जो है इनलैंड से आता है और कितना मरीन से आता है, तो अगर स्टूडेंट्स इनलैंड सोर्सेज की बात करें तो वो कहां कितना है हमारे पास, 64% है। ठीक है, इनलैंड सोर्सेज इसी के रेफरेंस में लिख रहा हूँ, 64% है। और मरीन सोर्सेज कितना आता है, मरीन सोर्सेज से जो बिजनेस आता है इन लोगों को कितना आता है, 36% जो है मरीन सेक्टर से आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं शेयर इन जीडीपी के, जीडीपी में जो हमारे पास फिशरीज है, फिशिंग पोर्शन जो है हमारे पास, इसका जो पोर्शन है वो कितना आता है, तो 0.8%, 0.8% ऑफ टोटल जीडीपी जो है स्टूडेंट्स वो कहां से आ रहा है, 0.8% ऑफ टोटल जीडीपी का जो शेयर है वो किससे आ रहा है आपको, वो आपको फिशिंग बिजनेस से आता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट विमेन पार्टिसिपेशन इन फिशिंग, विमेन पार्टिसिपेशन इन फिशिंग, तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें विमेन पार्टिसिपेशन इन फिशिंग की, तो अगर देखा जाए तो एक्टिवली 60% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो कौन है, विमेन का है। ठीक है, एक्सपोर्ट में और इंटरनल में कितना है, 40% का। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो विमेन्स है, आप देखते भी मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, महाराष्ट्र की मूवी अगर कोई आप देख रहे हो, महाराष्ट्र का सीन है, तो वहां देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं वहां पे वुमेन्स जो होती है वो बहुत एक मेजर, एक मैसिव स्केल पे क्या करती हैं, फिशिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन फिशिंग अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो जो इस फिशिंग कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स,
अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक स्टेट जहां पे आप काम तो कर रहे होते हो बट आपको आपके काम के बदले में उस लेवल पे सैलरी या वेजेस नहीं मिल पाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपको आपके काम के लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी या वेजेस जो है वो सफिशियंटली नहीं मिल पा रही है, तो उसे हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिशिंग के बिजनेस में। इसके अलावा लो पर कैपिटा अर्निंग, लो पर कैपिटा अर्निंग, ठीक है, मतलब काम बहुत ज्यादा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा अर्निंग्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स वो क्या है, वो इस बिजनेस में बहुत कम है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखी जाती है इसमें क्या देखी जाती है, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। ठीक है, अभी आप बात सोचने की कोशिश करो, जिन लोगों को स्टार्टिंग से फिशिंग बिजनेस की आदत है उनका लेबर का मोबिलिटी कितना मुश्किल है। अगर जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है आप उसे किसी और तरह की खेती, बहुत से तरह की खेती करा सकते हो, तो वहां पे हम वर्कफोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन फिशिंग वालों को हम किसी भी तरीके से कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहां पे दिक्कत ये कि मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है स्टूडेंट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है, इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉब्लम देखी जाती है वो क्या देखी जाती है, हाई इलिटरेसी, हाई इलिटरेसी। ठीक है, यहाँ पे हाईली इलिटरेसी चलती है, बहुत से लोग जो है इलिटरेट होते हैं और इनडेटनेस के अंदर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या किया था स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, एक अटेम्प्ट किया था कि जो फिशिंग के बिजनेस है उसकी जो बैकवर्डनेस है और स्टेग्नेंसी है उसको रिमूव किया जा सके और फिशिंग बिजनेस को थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करके जो लोग उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है उनका बेटरमेंट किया जा सके। तो उसलिए उस रेवोल्यूशन को, फिशिंग बिजनेस की प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन किया गया था, जिसे कहा, क्या कहा गया, जिसे कहा गया ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, होपफुली आप याद रखेंगे। देखो आपको मैं अब तक तीन तरह के रेवोल्यूशन पढ़ा चुका हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन में ही आपने उसको वीट रेवोल्यूशन बोला था फर्स्ट फेज को, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ वीट की प्रोडक्शन को प्रमोट किया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, वीट रेवोल्यूशन पढ़ा, अभी आपने पढ़ा ऑपरेशन फ्लड जिसको आपने व्हाइट रेवोल्यूशन बोला, क्योंकि इसमें मिल्क की प्रोडक्शन को कोऑपरेटिव फार्मिंग्स के थ्रू बहुत ज्यादा लेवल पर प्रमोट किया गया था। और फिर अब आपने पढ़ा ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन का मोटिव क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन का मोटिव है बेसिकली जो फिशिंग बिजनेस है उसकी प्रोग्रेस को लेकर के आना। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में सेकंड काम जो है वो क्या है, वो हम कर सकते हैं फिशिंग बिजनेस को प्रमोट करके। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो बहुत बहुत ज्यादा सही बिजनेस है, ना केवल अर्बन एरियाज के लिए, इनफैक्ट रूरल पार्ट के लिए एज वेल, सॉरी रूरल पार्ट के साथ साथ अर्बन पार्ट के लिए एज वेल, हॉर्टिकल्चर। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूं कि हॉर्टिकल्चर जो है इसका मतलब क्या होता है। देखो हॉर्टिकल्चर एक बहुत अल्टरनेटिव सोर्स है किसका, एम्प्लॉयमेंट का रूरल एरियाज में। इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं साथ साथ में हम क्रॉप फार्मिंग भी करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इंक्लूड करता है किसको, आप फ्रूट्स को ग्रो करें, ठीक है, फ्रूट्स क्योंकि ऑल टाइम चलते हैं, फ्रूट्स आते हैं इसमें, वेजिटेबल्स इसके अंदर आती है स्टूडेंट्स, फ्रूट्स के साथ साथ क्या आता है, वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स आ गई, वेजिटेबल्स आ गई, ठीक है, स्पाइसेस आ गए, मेडिसिनल प्लांट्स आ गए, ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास क्या आते हैं, इसके अलावा एरोमेटिक प्लांट्स आ गए, एटसेट्रा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में स्टूडेंट, मैं आपसे बात करूं तो इंडिया के रेफरेंस के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में जो इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और अगर हम बात करें मैंगो बनाना, ठीक है, इसकी मैंगो बनाना और स्पाइसेस की, तो इसमें इंडिया वर्ल्ड के अंदर किसके नंबर पे आता है, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, अब पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं हॉर्टिकल्चर आपको समझा दूं कि कितना एक्सटेंसिव है। ठीक है, ये तो आपने कुछ एग्जांपल लिया, मैंने जो फ्लारिस्ट होते हैं उसका बिजनेस भी किससे होता है, हॉर्टिकल्चर से होता है। ठीक है, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आजकल आप कहीं ना कहीं अगर आप मेट्रो स्टेशन के आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो आप देखते हो कि मेट्रो स्टेशन के नीचे वर्टिकल फार्मिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि
या चलो मेट्रो स्टेशन को छोड़ो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स वगैरह की हम बात करें, गार्डन्स की बात करें, तो वहां पे हम देखते हैं क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी वॉल होती है, उस वॉल के ऊपर पूरा ना वो लोहे का फ्रेम लगाते हैं, और उस लोहे के फ्रेम में छोटे 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 ना जो वो होते हैं पॉट्स होते हैं, उन पॉट्स को रख करके पूरी दीवार को कवर कर देते हैं, किससे, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स से, ठीक है। होपफुली ये आपने देखा होगा, इसे कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग, और ये किसका पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का। आप देखते हैं कि पब्लिक पार्क्स मेंटेन किए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर तो नहीं है, वो क्या है, हॉर्टिकल्चर है। उसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे हाईवे वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे जो रोड्स होती है, मेन रोड्स होती है, उसमें क्या होते हैं, डिवाइडर होते हैं, उन डिवाइडर्स के बीच में भी प्लांटेशन की जाती है, वो किसका पार्ट है स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर का। तो हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स अगर किया जाए तो ये फार्मर्स को एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया इनकम दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसका कोई सीजन नहीं है, ठीक है, ये ऑल वेदर सीजन में का जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे जाकर के एक्सपेंडिचर्स किए थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल्स पे जाकर के एक्सपेंडिचर किए थे, कौन से ईयर के पीरियड तक, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो पीरियड था स्टूडेंट्स इंडिया में, हाँ जी, तो अगर मैं 1991 से लेकर के स्टूडेंट्स 2003 तक की बात करता हूँ, 1991 से लेकर 2003 तक की बात करता हूँ, तो जो ये पीरियड था, इस पीरियड को स्टूडेंट्स क्या बोला गया, इस पीरियड को बोला गया गोल्डन रेवोल्यूशन। तो देखो अगेन आप एक और रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो, क्या बोला गया इसको स्टूडेंट्स, गोल्डन रेवोल्यूशन कहा गया, जिसका मेन मोटिव क्या था, जिसका मेन मोटिव था इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर को बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे जाके प्रमोट करना। आज स्टूडेंट्स अगर हम जाकर के देखें तो ये जो टोटल लेबर फोर्स है, टोटल लेबर फोर्स जो हमारे देश की है, उसका 19% जो लोग है, ठीक है, वो कहां पे काम कर रहे हैं, वो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए किसी ना किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट यही चाहती है कि किसी भी लेवल पे जाकर के क्या किया जाए, हॉर्टिकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा सके। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि इंडिया के जीडीपी की, तो इंडिया के जीडीपी में आज जो हॉर्टिकल्चर है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 6% का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में कर रहा है। और साथ ही साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेटा बताया कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मामले में, मैंगो बनाना, ठीक है, और स्पाइसेस के मामले में दुनिया में नंबर वन पे कौन आता है, इंडिया आता है। तो हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स क्या है, हॉर्टिकल्चर अपने आप पे एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इससे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हर तरीके से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा सके, प्लस साथ ही साथ में इस सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है लोगों को, फार्मर्स को एनकरेज कर रही है कि वो हॉर्टिकल्चर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करने के लिए कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। किसको प्रमोट कर सकते हैं, कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री। अब स्टूडेंट्स ये कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री का फायदा क्या होगा, बहुत सिंपल है, कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री को जब आप प्रमोट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, बी कीपिंग एटसेट्रा, ठीक है। ये भी क्या कर सकता है स्टूडेंट, ये भी रूरल एरियाज के अंदर एक बहुत बड़ा क्या कर सकता है, एक इनकम का सोर्स बन सकता है। क्या चीज है, मैं रिपीट करता हूं, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, ब्लीचिंग हो गया, बी कीपिंग हो गया, हम इन सारे छोटे छोटे जो बिजनेस है उनको प्रमोट कर सकते हैं, गांव वगैरह में सोप मेकिंग, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टिवेशन, ये सब चीजें, ठीक है। इनसे क्या होगा, इनसे गांव वगैरह के अंदर एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट बेसिस पे आती चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। और इसके अलावा एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स ही बात है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अदर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस को भी वहां पे जनरेट कर सकती है, क्योंकि अदर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस को जनरेट करने से क्या फायदा मिलेगा, अदर ऑप्शन जो अगर हम जनरेट करते हैं तो उसका फायदा ये मिलेगा कि छोटे मोटे किसी भी तरह के बिजनेस को करके जो रूरल जो लाइफ है वो अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द ओवरऑल आइडिया, कंप्लीट पिक्चर स्टूडेंट्स किसका, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। बिसाइड दैट स्टूडेंट यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ठीक है, वो क्या समझनी है, हाल फिलहाल में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी को मींस आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे क्या किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो सुरेंद्र, सबसे पहली बात, आज आईटी सेक्टर हर तरीके के बिजनेस के अंदर घुस चुका है, जिससे कि कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर ने 21st सेंचुरी के अंदर जो सबसे बड़ा कोई रेवोल्यूशन है तो वो आईटी सेक्टर अपने आप में है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के बिजनेस में भी आईटी सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ले आए तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को इसका बहुत फायदा होगा। अब ये आईटी सेक्टर का जो फायदा है वो फार्मर्स को कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है, जरा उसके पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला फायदा कि फार्मर्स को क्या मिलेगा, फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फार्मर्स को क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्राय इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी प्राइसेस है, प्राइस के इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा वेदर की इंफॉर्मेशन, इसके अलावा क्वालिटी सीड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स को पहले ही एडवांस में मिल जाएगी। तो सबसे पहला फायदा स्टूडेंट्स क्या रहेगा, सबसे पहला फायदा गवर्नमेंट को ये रहेगा कि अगर वो आईटी सेक्टर को प्रमोट कर दे तो फार्मर कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, अपने लिए सिक्योर्ड जगह महसूस कर सकता है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको पहले से पता है प्राइसेस क्या चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये चीजें फायदा रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, फूड की जो इनसिक्योरिटी है वो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट क्या करे, अपने अलग अलग पोर्टल्स बना दे, जिस पोर्टल पे गवर्नमेंट इस बात का डिक्लेरेशन करवा दे फार्मर से कि तुम कहाँ कहाँ पे फूड की इस साल क्या हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, और साथ ही साथ में उस पोर्टल पे ऐसी भी चीजें अवेल करवा दे कि फार्मर क्या करे, उस पोर्टल के थ्रू ये बता सके वो कितनी बल्क प्रोडक्शन करने वाला है। तो ये जो फेमाइन आने का जो खतरा है, फूड इनसिक्योरिटी है, उस फूड इनसिक्योरिटी को भी आईटी सेक्टर की हेल्प से स्टूडेंट्स क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, इसके साथ साथ में आप जानते हैं ना कियोस्क सेंटर, ठीक है, जिस किसान कॉल सेंटर वगैरह गवर्नमेंट स्टार्ट कर दे, इस किसान कॉल सेंटर से क्या होगा, गवर्नमेंट की आने वाली किसी भी तरह की स्कीम्स सब्सिडी के बारे में या कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आईटी सेक्टर के बारे में आने वाली है, आपने देखा भी होगा आजकल एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि वो लोग सीड्स के बारे में पूछते हैं, हमारी क्रॉप ऐसी हो गई है, हम जैसे हम सिम के बारे में, लैपटॉप खराब हो गया हमारा, तो हम लैपटॉप के बारे में पूछते नहीं है कि अच्छा क्या करूं, अच्छा क्या करूं, क्या नहीं करूं, अच्छा ये कर सकता हूं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रही है कि इसमें क्या हो, कियोस्क सेंटर स्टार्ट किए जा सके, जिसमें फार्मर क्या करे, किसान कॉल सेंटर्स होंगे, फार्मर कॉल सेंटर में कॉल करेगा और एक इंफॉर्मेशन ले लेगा कि मैं किस तरीके से अपने आउटपुट को आगे ले जाऊं, क्या मेरी सॉइल है, कहां पे मैं सॉइल की टेस्टिंग करा सकता हूं, कहां पे मैं बीज के बारे में वेरीफाई कर सकता हूं, कहां पे मैं केमिकल फर्टिलाइजर सस्ते रेट पे खरीद सकता हूं। तो यह फायदा रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ग्रो करने का। और स्टूडेंट्स, और सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आईटी सेक्टर को इस सेक्टर में लेके आते हैं तो देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ेगा, कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये कुछ मेजर स्टेप्स है जो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है, किसमें, हमारे एग्रीकल्चर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहां तक की जो सारी बातें हैं वो समझ में आई होंगी, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो अगेन लाइवलीहुड है एक, मतलब मैं अगर रूरल एरियाज की बात करूं तो रूरल एरियाज के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, और खास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर आईटी सेक्टर को प्रमोट किया जाए तो वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलो होपफुली आपको स्टूडेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज वाले जितना भी पॉइंट है सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है।